प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं जीके जैन स्कूल से ओम प्रकाश, कक्षा तीसरी के लिए हिंदी में पद्य भाग ज्योति पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, कविता का नाम है ज्योति। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता को जो है पढ़ेंगे, फिर मैं आपको भावार्थ बताऊंगा, फिर पाठ से संबंधित आपका कठिन शब्दार्थ है, प्रश्नोत्तर है, वो सबको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों, कविता पढ़कर हम आपको बताने जा रहे हैं। इस छोटी सी कविता में कवि जो है हम सबको एक साथ मिलकर रहने की बात बताई है, अर्थात एकता में रहने की बात बताई है। हमें किसी का भी भेदभाव नहीं करना है, अर्थात हम सबको एक साथ मिलकर रहना है, तभी हम और हमारा देश आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं कविता को पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको खबर बताता हूँ। कविता जो है 12 लाइन की है बच्चों। मैंने यहाँ पे 4 लाइन यहाँ पे लिखा है, 4 लाइन यहाँ पे, 4 लाइन यहाँ पे। हम माला के मोती हैं, हम किरणों की ज्योति हैं, कदम कदम पर साथ बढ़ेंगे, हिल मिलकर हम सदा चलेंगे, हम अनार के दानों से एक साथ जुड़ जाएंगे, एक दूजे की ताकत बनकर देश का मान बढ़ाएंगे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, हम भविष्य की आशा हैं, हमारे प्यार में ताकत होती है, हम किरणों की ज्योति हैं। बच्चों, एक बार और इसको रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। हम माला के मोती हैं, हम किरणों की ज्योति हैं, कदम कदम पर साथ बढ़ेंगे, हिल मिलकर हम सदा चलेंगे, हम अनार के दानों से एक साथ जुड़ जाएंगे, एक दूजे की ताकत बनकर देश का मान बढ़ाएंगे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, हम भविष्य की आशा हैं, हमारे प्यार में ताकत होती है, हम किरणों की ज्योति हैं। बच्चों, ये कविता मैं पढ़ा, अभी आपको मैं ये कविता जो है गाकर सुनाता हूँ। हम माला के मोती हैं, हम किरणों की ज्योति हैं, कदम कदम पर साथ बढ़ेंगे, हिल मिलकर हम सदा चलेंगे, हम अनार के दानों से एक साथ जुड़ जाएंगे, एक दूजे की ताकत बनकर देश का मान बढ़ाएंगे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, हम भविष्य की आशा हैं, हमारे प्यार में ताकत होती है, हम किरणों की ज्योति हैं। तो बच्चों, अभी कविता मैं आपको गाकर सुनाया, अभी मैं आपको इसका जो है भावार्थ बताने जा रहा हूँ।
बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, जैसे सूर्य है, सूर्य जो है अपना प्रकाश स्वयं नहीं लेता है, वह दूसरों को प्रकाश देता है, अर्थात दूसरों को उजाला देता है, वो भी बिना भेदभाव किए। सूर्य की किरणें प्रायः हर घर में जाती हैं, वह सभी को रोशनी प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, हम सबको भी ज्ञान प्राप्त करके पूरी दुनिया में रोशनी के जैसा फैलाना चाहिए। तो बच्चों भावार्थ, हम माला के मोती हैं, अर्थात हम माला के मोती के समान हैं, हम किरणों की ज्योति हैं, कदम कदम पर साथ बढ़ेंगे, हिल मिलकर हम सदा चलेंगे, हम किरणों की ज्योति के समान हैं, कदम कदम पर हम साथ बढ़ेंगे, हिल मिलकर हम सदा बढ़ेंगे, अर्थात हम सब मिलकर जो है आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, हम जो है माला के मोती के समान है। जैसे माला है, उसमें जो है छोटी छोटी लड़ियाँ होती हैं, अगर टूट जाती पूरे बिखर जाते हैं, तथा कहने का मतलब यह, हमको जो है एकता बना कर रखना है। हम किरणों की ज्योति हैं, हम किरणों की रोशनी के समान हैं, कदम कदम पर साथ बढ़ेंगे, कदम कदम धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे, हिल मिलकर हम सदा चलेंगे। यदि बच्चों हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो हमारा देश जो है उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा, इसलिए हम सबको हिल मिलकर रहना चाहिए। आगे, हम अनार के दानों से एक साथ जुड़ जाएंगे। बच्चों, जैसे अनार का दाना होता है, वह एक दूसरे से जुड़ा रहता है, एक दूजे की ताकत बनकर देश का मान बढ़ाएंगे। अगर हम मिलेंगे हमारी ताकत बढ़ेगी। तो कवि इसमें कह रहे हैं, हम अनार के दानों से, अगर हम जो है अनार के दानों जैसे जुड़ जाएंगे तो एक साथ जो है हमारी ताकत बढ़ेगी और हम मजबूत बनेंगे, एकता के साथ आगे बढ़ेंगे, देश का मान बढ़ाएंगे और हम जो है मिलजुल कर देश का मान सम्मान और गौरव को बढ़ाएंगे। हम नन्हे नन्हे बालक हैं, अर्थात हम जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, हम भविष्य की आशा हैं, हम जो है भविष्य की आशा, बच्चे जो हैं देश के भविष्य की आशा हैं। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, कल हमारे देश के नागरिक बनेंगे। हमारे प्यार में ताकत होती है, हम किरणों की ज्योति हैं, अर्थात कवि कहते हैं कि जैसे हम छोटे छोटे बालक हैं, बच्चे हैं, हम जो है देश के भविष्य हैं, हम कल जो है अपने देश के नागरिक बनेंगे। हमारे प्यार में ताकत होती है, अर्थात हमारे एकता में जो है ताकत होती है, हम किरणों की ज्योति हैं। तो बच्चों, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कल के नागरिक हैं, अपने देश के भविष्य हैं, अर्थात हमें प्यार से रहना है, एकता में रहना है और हम ज्ञान प्राप्त करके पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अपनी रोशनी की छाप छोड़ेंगे। तो बच्चों, यह मैंने आपको भावार्थ बताया, अब मैं आपको इससे संबंधित जो है कठिन शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है शब्दार्थ, पेज नंबर फाइव, ये जो है आपकी किताब से संबंधित है, मैं आपको यहाँ पे पूरा शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर बता रहा हूँ। तो शब्दार्थ, ज्योति, ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, उजाला। कदम मतलब पग, जुड़ मतलब मिल या मिलकर, दूजा दूसरा, मान गौरव, ताकत शक्ति, नन्हे छोटे। एक बार फिर से शब्दार्थ देखते हैं बच्चों, ज्योति प्रकाश, कदम पग, जुड़ मिल, दूजा दूसरा, मान गौरव,
ताकत शक्ति नन्हे छोटे। तो बच्चों आपका शब्दार्थ हो गया। अभी मैं आपको प्रश्नोत्तर ये सब बता रहा हूं। कवि के अनुसार हम किसके मोती हैं? कवि के अनुसार हम माला के मोती हैं। दूसरा, ताकत किसमें होती है? आंसर, एक साथ जुड़ने में ताकत होती है। तीसरा क्वेश्चन, कौन भविष्य की आशा है? नन्हे नन्हे बालक भविष्य की आशा हैं। चौथा क्वेश्चन, हमें किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए? उत्तर, हमें हिल मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, हमें कैसे जुड़ना चाहिए? हमें अनार के दानों जैसे जुड़ना चाहिए। तो बच्चों एक बार वापस से इसको देखते हैं। कवि के अनुसार हम किसके मोती हैं? कवि के अनुसार हम माला के मोती हैं। ताकत किसमें होती है? एक साथ जुड़ने में ताकत होती है। तीसरा, कौन भविष्य की आशा है? नन्हे नन्हे बालक भविष्य की आशा हैं। हमें किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए? हमें हिल मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें कैसे जुड़ना चाहिए? हमें अनार के दानों जैसे जुड़ना चाहिए। तो बच्चों ये जो आपका अभ्यास है शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर, तो बच्चों यह कविता यहीं पर जो है समाप्त होती है। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।